हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि आप नेरोलैक पेंट्स की कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जिससे कि आप नेरोलैक पेंट्स में निकलने वाले टोकनों को स्कैन करके अपडेट कर सकें, जिससे कि आप नेरोलैक पेंट्स पे मिलने वाले पॉइंट्स के पैसों को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो हमें अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च में लिखना है नेरोलैक ऐप। लिखने के बाद जैसे हमें पहले वाला ऑप्शन आएगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। मैं इसे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन कर लेते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो इसमें से आप कौन सी भी भाषा में करना चाहें, जैसे इंग्लिश है और भाषा दे रखी है, तो मैं इसे इंग्लिश में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कौन सी भी भाषा सेलेक्ट करनी है, उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें सिंपली क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है फुल नेम क्या है, तो यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। एज ग्रुप मांग रहा है तो यहाँ पे एज डाल देनी है, जो भी आपकी 18 से 24 के बीच में है तो मैं 18 से 24 के बीच में डाल लेता हूँ। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। यहाँ पर आ रहा है स्टेट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। तो जिसका भी जोन से भी स्टेट्स है वो अपना सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं अपना उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सिटी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इस पर सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी भी जोन से सिटी है। तो मैं यहाँ पर बिजनौर सिटी कर लेता हूँ। यहाँ रेफरल कोड है, यहाँ पर आपको रेफरल कोड ज़रूर डालना है। तो यहाँ पर रेफरल कोड के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल कोड दे दूँगा, वहाँ पर आप रेफरल कोड जाकर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेफरल कोड डाल देना है। यहाँ पर मैं अपना रेफरल कोड डाल देता हूँ, जैसे 9MWUN5 वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो ये वाला ऑप्शन है इस पर टिक कर लेना है। फिर जो ये है वेरीफाई मी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ओटीपी आ गया है। ये वाला ओटीपी हमें यहाँ डाल देना है, 83 20 13। मैं ओटीपी डाल देता हूँ 83 20 13 वाले ऑप्शन में। इसे डालना, ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। यहाँ पर अपना आपको जिस भी नाम से यहाँ पर इसे ओपन करना है वाला नाम डाल देना है। यहाँ पर न्यू पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पर अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। मैं अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, नाम वाला ऑप्शन पर फिर नाम डाल देता हूँ जिस नाम से मुझे इसे लॉग इन करना है। तो मोहम्मद अम्मार पासवर्ड डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर आपको नीचे वाले भी कंफर्म पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला है वही वाला पासवर्ड डालना है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली नीचे वाले जो ऑप्शन है सबमिट वाला, इस पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर मांग रहा है, इस वाले ऑप्शन पे हमने नाम ऑफ योर प्राइमरी स्कूल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ आंसर में आप उससे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ एंटर्स। तो फिर हमें सिंपली क्लिक करना है सबमिट वाले ऑप्शन पर।
इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने इस वक्त ऐप के अंदर प्रवेश कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप पॉइंट स्कैन कर सकते हैं। यहाँ एक कॉल वाला ऑप्शन है, यहाँ स्कैन वाला ऑप्शन है, यहाँ रेफरल पेंटर, यहाँ रिडीम पॉइंट वाला ऑप्शन। तो इतना तो हमारा हो गया फ्रेंड, इतना तो हमारा यहाँ पर हो गया। तो हमें यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें सिंपली क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, सो योर फुल प्रोफाइल। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो भी 20% यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी 100% कंप्लीट करनी है। उसके लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे डिटेल मांग रखी है, तो पहली वाली तो पर्सनल डिटेल तो कम जो है टिक का सही का निशान आ गया। दूसरी वाली में देख लेते हैं, यहाँ पर फैमिली का किसी एक मेंबर को चुनना है, या उसका नाम डाल देना है या उसका मोबाइल नंबर, फिर डन पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर देखना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ किसी एक को, यहाँ पर आ रहा है फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, आपका कोई बेटा है उसका नाम, ब्रदर है, सिस्टर है, अदर कोई है। तो यहाँ मैं ब्रदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, नाम डाल देता हूँ मोहम्मद इब्राहिम, यहाँ नाम डाल, उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये फैमिली डिटेल अपडेट सक्सेसफुल हो गई। यहाँ से आप बैक आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ पर हमारी जो 20% कंप्लीट थी, यहाँ 30% हो गई, यहाँ टिक का निशान आ गया। यहाँ पर फिर मोर डिटेल वाला ऑप्शन है, इसे देख लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर अपने जोन से भी आपके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जैसे मेरे पास टू व्हीलर है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टू व्हीलर। यहाँ उसका नाम डाल लेना है, कौन सी गाड़ी है आपके पास, तो यहाँ पर नाम डाल देता हूँ मैं डिलेक्स। डालने के बाद यहाँ पर आपको फिर से डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये वाली अपडेट जो थी ये भी सक्सेसफुली हो गई है। हमें फिर से बैक आ जाना है। तो यहाँ पर आपको जो 30% कंप्लीट थी वो 40% हो गई है। यहाँ पर अपना बिजनेस डिटेल वाला ऑप्शन है, तो हमें सिंपली बिजनेस डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा रहा है टीम साइज़। तो यहाँ पर अपनी आपके जो आपके काम आपके साथ बंदे काम करते हैं, आप ठेकेदार हैं, आपके लेबर में कितने बंदे काम करते हैं, तो यहाँ पर उसमें टीम साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाल देना है। यहाँ पर 10 से 20 डाल देना है। इनके बीच में एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं आपको, कितने साल का एक्सपीरियंस है काम करने का, तो 5 से 10 साल के बीच में डाल देना है। साइड पर मंथ यानी कितनी साइड करते हैं मंथ में, तो यहाँ पर 5 से 10 डाल देनी है। यहाँ पर पूछ रहे हैं आप पेंट कितने लाख तक कटाते हैं, तो यहाँ पर हमें 1 से 4 लाख तक के बीच में डाल देना है। फिर हमें सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ भी ये भी अपडेट सक्सेसफुली हो गई। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 50% आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बैंक डिटेल वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर FSC कोड है, यहाँ बैंक का नाम है, या अकाउंट टाइप करना है, या अकाउंट नंबर, या कंफर्म अकाउंट नंबर दोबारा से डालना है, या अकाउंट होल्डर नेम यानी जिस जौन सा अकाउंट आप डालोगे उसका यहाँ पर नाम डाल देना है। तो यहाँ पर नाम डाल के डन वाले ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी 60% कम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं नहीं डाला,
यहाँ पर केवाईसी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप अपनी केवाईसी आधार कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, वोटर आईडी से, कोई सी भी एक चीज़ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी पूरी, यहाँ पर होने के बाद आपकी यहाँ पूरी 100% हो जाएगी। तो यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ से बैक आ गए। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर अपनी दूसरी वाली आईडी जो है वो खोल के दिखाता हूँ कि आप जब यहाँ पर अपनी 100% डिटेल पूरी कंफर्म कर लोगे, भर लोगे, तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट वाला ये सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से 100% डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैं अपनी दूसरी वाली वो है यहाँ पर उसे दिखा देता हूँ आपको, जाकर खोल कर ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने अपनी दूसरी आईडी से ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको दिख सकता है यहाँ पर मेरे जो मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल 100% पूरी कर ली थी, तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से मुझे 100 पॉइंट मिल गए थे। यहाँ पर मेरे 150 पॉइंट हो चुके हैं अब तक। यहाँ से आपको इन पॉइंट्स के बदल अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर रिडीम पॉइंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए मैं अगली वीडियो बना दूंगा जिसमें आप रिडीम वाला ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सिंपल इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके 3 डॉट वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा माई प्रोफाइल नोटिफिकेशन अबाउट द ऐप चेंज लैंग्वेज। यहाँ पर आप हिंदी में जौन सी भी लैंग्वेज में करना चाहें, जौन सी भी आपको आसान लगे उस वाली भाषा में कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लेन वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन के समय इस तरह की दिक्कत हो रही है, ये है वह है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद यहाँ पर हेल्प सेंटर नंबर है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको किस चीज़ के बारे में चाह रही है हेल्प। यहाँ पर इनके प्रोडक्ट हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन के रिलेटेड चाहिए या आपका जो प्रोग्राम है उसके रिलेटेड चाहिए, जौन सा भी प्रोडक्ट के हिसाब से आपको जानकारी चाहिए यहाँ पर आप सिलेक्ट करके उसके हिसाब से जानकारी देख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें बैक आ जाना है। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।